बिग बॉस सीजन 14 के ग्रैंड प्रीमियर के दिन अभिनव शुक्ला और रूबीना दिल्ले को करना पड़ा है मीडिया के तीखे सवालों का सामना। और आखिरकार क्यों उठी उनके रिश्ते पर उंगलियां, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। जो भी बिग बॉस के घर में एंट्री ले रहा था, उससे पहले उन्हें करना पड़ रहा था BBQ का सामना, यानी कि बिग बॉस क्वारंटाइन। पर आपको बता दूं कि यहाँ पर बिग बॉस के कुछ सवाल आने थे जिस पर सबको अपने अपने जवाब रखने थे, और जैसे ही ये पास करेंगे या फेल, इसकी जजमेंट जो थे वो टीम सीनियर टीम को देनी थी, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान। पर आपको बता दूं कि अभिनव शुक्ला और रुबीना का जो सामना हुआ था वो हुआ था सीनियर मीडिया कर्मियों से, और यहाँ पर उनसे सवाल पूछे गए थे कि लॉकडाउन के समय पर उनके रिश्ते को लेकर कई सवाल सामने आए थे। और ये बात भी सामने आई थी कि दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला ले लिया है, दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं, दोनों अलग अलग रहने मतलब अलग अलग रहने लग गए हैं। तो कुछ इस तरीके की बातें जो है वो सामने आने लगी थी। इस बात पर ये सवाल सामने भी आया बिग बॉस के सेट पर, जिस पर अभिनव ने इस बात को संभालते हुए कहा कि इस लॉकडाउन के समय पर हर किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो मैं रुबीना को ऐसी जगह पर ले आया जहां पर सिर्फ झगड़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता है, और वो जगह कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस का घर है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को कैसी लगी इन दोनों की जोड़ी? कैसी लगी दोनों की एंट्री, धमाकेदार एंट्री? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।